नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अपने निजी कार्यक्रम के लिए सिंगरौली पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर बाबा के विरोध में जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को बाबा के समाधि लेने हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंप्यूटर बाबा ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अगर चुनाव में हार जाएंगे तो वो समाधि ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा का दिग्विजय सिंह की हार पर समाधि लेने वाला बयान अब उनके गले की हड्डी बन गया है। सिंगरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर बाबा के सिंगरौली पहुंचने पर विरोध किया और जिला प्रशासन को बाबा के लिए समाधि हेतु जमीन उपलब्ध कराने का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और कंप्यूटर बाबा समाधि लो, वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की जीत का दावा किया था और उनके पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की थी। कंप्यूटर बाबा ने दम भरते हुए कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह भोपाल में नहीं जीत पाते हैं तो वे समाधि ले लेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह की हार के बाद बाबा अपनी जवान से पलट गए और उन्होंने समाधि नहीं ली। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। कंप्यूटर बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कंप्यूटर बाबा समाधि लो, समाधि लो, समाधि लो। कंप्यूटर बाबा समाधि लो, समाधि लो, समाधि लो। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस आओ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।